बादशाह अकबरा ये हमारा ताजे नूर होता। ओहो, क्या खूबसूरत हीरे हैं, वाह। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, आपके ये हीरे हमारे साथ महफूज हैं। यही थे जहाँ पना, यही रखे थे। यही रखे थे मतलब? हाँ, मतलब हमने यही रखे थे। हीरे कहाँ हैं? हा 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 हा, बड़ी भूख लगी है, अब खाएंगे हम। ये देखिए, दो दिन से हमने व्रत रखा है दुर्गा माँ का और इनको बड़ी भूख लगी है। देखिए रानी साहिबा, हमारी जिंदगी में हमारे सिर्फ दो शौक, एक आराम से खाना और दूसरा शांति से सोना। लीजिए खाइए, जितना मन करता है खाइए, हम तो आपको पसंद ही नहीं ना। रानी साहब आप ऐसे क्यों कह रही हैं? आप तो हमें इतनी पसंद है कि ये क्या? नहीं नहीं, आप तो नहीं कह रहे हैं कि खाना कैसा है रानी साहिबा, इतना फीका क्यों है, कोई मसाले ही नहीं है खाने में। भाई आपने खाना अपने मायके से तो नहीं मंगाया है? खबरदार, अगर हमारे मायके वालों को बदनाम किया तो। रानी साहिबा हम मजाक कर रहे हैं, लेकिन सच में हमें ये बताइए कि ये खाना इतना बेस्वाद क्यों है? जापना, मसाले जो लंका से आयात किए जाते थे वो अचानक बंद हो चुकी है। सुनने में आया है कि उस राज्य में अशांति फैली हुई है और वहाँ के राजा के खिलाफ बगावत होने वाली है। हमको भी बहुत बुरा लग रहा है, हमारे सारे कपड़े जेवरात श्रृंगार का सामान भी बंद हो गया है ना। अम्मी जान आप फिक्र मत कीजिए, शाही खून है हम लंका में जाके हमला कर देंगे और फिर वहां से सारा सामान लेके आ जाएंगे। आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। जहां पना की जय हो। जहां पना, लंका से वहां के महाराजा और महारानी आए हैं, यानी कि महिला जयसूर्या और दुर्गा शंकर महल के मुख्य द्वार पे खड़े हुए हैं, अंदर लेना है क्या? अरे अंदर ले या नहीं से आपका क्या मतलब है? लीजिए उन्हें अंदर, हमारे मंत्रियों से कहिए कि जाके उनका स्वागत करें, हम आ रहे हैं। जी जहां पना। राजा अकबरा, नमस्कारा नमस्कारा। आइए 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 महिला जयसूर्या जी, दुर्गा शंकर जी आइए आइए, आपका स्वागत है। मुझे पता है महिला जया जी, आप हमारी फूफी और महल की दूसरी औरतों के साथ आराम फरमाइए। क्या? और दुर्गा शंकर जी आप चाही खून है हम, आप हमारे पास आके बैठिए, हम आपसे कुछ गुफ्तगू करेंगे, आइए। महोदया, मलिंगा, रंतुंगा, एका देका तुना। ये कदका तुना महोदया क्या है? महोदया मतलब पागल। हमारे राजा तुम दोनों का एका देखा तूना करना चाहते हैं, मतलब एक दो तीन कर देंगे, आपकी गुस्ताखी की सजा देंगे। लेकिन हमने कौन सी गुस्ताखी की? अरे शहजादे सलीम वासु, ये जो राजा है ना वो महिला है, मतलब उनका नाम महिला जया सूर्या है। और रानी जी शंकर है, मतलब उनका नाम दुर्गा शंकर है। तशरीफ रखिए, आपका हमारे महल में, हमारी रियासत में आपका स्वागत है। और आप इन दोनों का इका दुका तूना मत कीजिए, बच्चे हैं दोनों, बच्चे। बच्चा? इतना बड़ा बच्चा? इनका उम्र में हमारा पिता स्त्री तुंगा माया सूर्या को चार चार बच्चा होता, जिसमें से तीन हमसे बगावत करता, इसलिए हम इधर आता। तो चौथे कहाँ गए? उन्होंने बगावत नहीं की? अरे इनके पिताजी के चार बेटे हैं, जिनमें से तीन ने बगावत की, जो एक बचा वो कौन? ये ना। ओ मोदया। हाँ मोदया। बादशाह अकबरा, हमारा राजगुरु बोला कि ऋषिकेश जाकर पूजा करने का सब ठीक होता, तो हम इसलिए हिंदुस्तान आता। हमको भी यहाँ ले आया, पूरा श्रृंगार करने का मौका भी नहीं मिला।
अरे आप भी कमाल करती हैं। आपको श्रृंगार करने की क्या जरूरत है, आप यूं ही इतनी खूबसूरत जो हैं। इसीलिए तो हम इनको अपने साथ लाया, हमको बड़ा चिंता होता। हाँ रानी का चिंता होता। नहीं लंका का, कोई बगा के ले गया तो। लंका को नहीं रानी को। है? आप हिंदुस्तान में बिल्कुल महफूज है, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आप हमारे पास है, हमारे साथ। आप अपने पूजा पाठ की तैयारी कीजिए। बादशाह अकबरा, आप हमारे साथ चलता, हमें गुप्ता से बात करना है। अगर आपको गुप्ता से बात करनी है तो हम आपके साथ क्यों चलें? आप सीधा जाके गुप्ता से बात कर लीजिए। गुप्ता से मतलब गुप्तता से, मतलब गुप्तता, गुप्तता। गुप्त बात करनी है आपको हमसे। बीरबल जी जापन। बलदेव आप लोग जरा हमारे साथ चलिए, हमें गुप्तता से बात करनी है। चलिए आइए, गुप्तता में बात करते हैं, आइए। तो बताइए महिला, आप गुप्तता में हमसे क्या कहना चाहती थी? बादशाह अकबरा, हमारा पास दो हीरा होता, ताजे नूर, हमारा कानदानी हीरा होता, हमारा पिता स्पीतुंगा मयासूर्या मरते वक्त हमको सौंपा, बोला ये हीरा जिसके पास होता वो राजा होता। बादशाह अकबरा, इन हीरों के लिए 500 साल में 50 बार युद्ध होता, और अब हमारा भाई लोग इसके लिए बगावत करता। बादशाह अकबरा, ये हमारा ताजे नूर होता। ओहो, क्या खूबसूरत हीरे हैं, वाह वाह, पहले कभी देखे नहीं हमने ऐसे हीरे। हमारा रानी भी बहुत खूबसूरत होता, हमारा अमानत हम आपको सौंपता। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, आपके ये हीरे हमारे साथ महफूज हैं। बादशाह अकबरा, हमको आप पर पूरा पूरा भरोसा होता। हीरे हीरे, ताजे नूर के हीरे, खो जाएंगे हीरे। उठो। क्या है रानी साहिबा, क्यों उठा रही हैं आप हमें? हम आपको उठा रहे हैं क्या? आपने हमें उठाया, क्या बड़बड़ा रहे थे नींद में? हम नींद में बोल रहे थे? क्या बोल रहे थे हम? अरे कुछ हीरो की बात कर रहे थे, ताजे नूर हीरे, हीरे खोने नहीं चाहिए, खो जाएंगे। वैसे अब कौन से हीरो की बात कर रहे थे? वो लंका के राजा ने अपने दो बेशकीमती हीरे हमें महफूज रखने के लिए दिए हैं। अब हमें समझ में नहीं आ रहा कि उनको महफूज कहाँ रखें। अच्छा, कहाँ रखे आपने वो हीरे? अभी तो यहाँ रखे हैं रानी साहब, ये देख, ये देख, ये यहाँ। हाँ, वाह वाह, क्या हीरे हैं जापना, क्या हीरे हैं। ऐसे तकिए के नीचे रखते हैं हीरे, और ऐसे तकिए के नीचे रखेंगे तो नींद कैसे आएगी? हम एक काम करते हैं, हम इन हीरो को हमारे तिजोरी में रख देते हैं, जहां हमारे मैके के सारे गहने रखे हुए। ये हुई ना बात रानी साहिबा, आपकी तिजोरी सबसे महफूज जगह है, वहां तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता। हाँ, रख दीजिए आप, रख दीजिए, रख दीजिए, रख दीजिए, अब हम आराम से सो पाएंगे। देखिए हम रख रहे हैं। हाँ हाँ आप रखिए, हमें आप पर पूरा भरोसा है, हम सो रहे हैं, आप रखिए। आहा, ये हुई ना बात। उर्वशी छोड़। अरे उर्वशी, क्या है ये सब कुछ? छोड़ छाड़ के आए आपके पास? यूं मेहरबानी जताना छोड़िए, अगर हमसे मिलने का कोई शौक नहीं है तो चुम्मी, अगर हमसे मिलने का शौक नहीं है तो जाइए यहाँ से। अब ये क्या बात हुई? देखिए हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपसे मिलने के लिए तड़पते रहते हैं हम। आप सच में प्यार करते हैं हमसे? अब ये क्या बात हुई, तुम
औरतों को हर बात बार बार जताना क्यों पड़ता है? प्यार करते हैं बस। तो ठीक है, अगर आप हमसे प्यार करते हैं ना, तो हमारे लिए नायाब तोहफा लेकर आइए। एक ऐसा तोहफा जो किसी के पास ना हो, तभी हमें यकीन होगा कि आप हमसे बहुत प्यार करते हैं। नायाब तोहफा? हाँ, एक ऐसा तोहफा जो खास कर रानी साहिबा के पास तो बिल्कुल ना, ताकि हम भी उन्हें दिखा दिखा कर जला सके। पता है, वो हमेशा यहाँ पर आती है और हमें अपनी नई नई चीजें दिखा दिखा कर जलाती है, तो हमें भी तो मौका मिलना चाहिए ना। हाँ ऋषि, लेकिन ऐसा नायाब तोहफा लाए कहाँ से? ए ले 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 ले। लो, आ गया आपका नायाब तोहफा। ओ लाला लाला ला। ऋषि, आप यही तोहफा रख लीजिए, शादी कर लीजिए इनसे। ये आप इन्हें दिखा दिखा कर ना रानी साहबा को जला भी सकती है। छोड़िए नहीं, छुपाइए। आ रहे लाला लाला। छुपिए। उर्वशी जी, कौन है यहाँ? कौन है यहाँ? आप किससे बातें कर रही थी? छोड़िए। नहीं छोड़ेंगे हम उसे। किसे? जब यहाँ कोई है ही नहीं तो आप किसे नहीं छोड़ेंगे? तो आप बात किससे कर रही थी? ऊपर वाले से। वासु, ऊपर कौन रहता है? मुझे पता है सलीम भाई साहब, रहता तो कोई नहीं है। हाँ, लेकिन आते जाते रहते हैं लोग, क्योंकि ऊपर घुसलखाना है ना। उर्वशी जी, आप घुसलखाने में किससे बात करती है? हे भगवान, ऊपर वाले से मतलब हम भगवान से बातें कर रहे थे। हम भगवान से ये कह रहे थे कि जो हमें एक बहुत ही नायाब तोहफा लाकर देगा। बहुत ही नायाब तोहफा ला कर देगा ना, हम उसे अपना दिल दे देंगे, वही हमारा प्यार होगा। सुन रहे हैं ना? जैसी तुम्हारी इच्छा। यूं कि ये कौन बोला? अरे सलीम भाई साहब, मुझे पता है, ऊपर वाला बोला। अरे उर्वशी जी, आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? आपके एक दिल के बदले ऐसे 4-5 नायाब तोहफे न्याछावर कर देंगे आपके ऊपर। अरे और हम क्या करेंगे है? हम उर्वशी देंगे आपको एक नायाब तोहफा। दिमाग हम देंगे। अरे हम देंगे सलीम भाई साहब, हम देंगे।